हेलो स्टूडेंट, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर्स, लेसन है हमारा थर्ड विंडोज़। कंटिन्यू हम करेंगे विंडोज़। लास्ट वीडियो में हमने विंडोज़ क्या था, तो विंडोज़ आपको पता है अलग अलग विंडोज़ आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम आपका जो कंप्यूटर है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, उसे रन करने के लिए क्या चाहिए होती है, विंडोज़ चाहिए होती है। क्योंकि विंडोज़ क्या है, एक प्रोग्राम यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या चाहिए होती है, विंडोज़। तो विंडोज़ अलग अलग आती रहती है, नई नई विंडोज़ आती रहती है, उसमें नए नए फीचर्स उसमें लॉन्च होते रहते हैं, नई विंडोज़ आती हैं। जैसे आपका विंडोज़ 7 है, ये XP आपका है, लाइनक्स है आपका, है ना। आपके फ़ोन पर भी देखें आप, जैसे एंड्रॉयड होता है आपका, तो उसमें आपके देखिए अलग अलग तरीके की हर टाइम पे विंडोज़ चेंज होती रहती है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आपको मिलते हैं, एप्लीकेशन आपको मिलती है। आपको मैंने जैसे बताया था कि विंडोज़ जिस तरीके से आपका एक घर है, उसको चलाने के लिए सारे फैमिली मेंबर्स चाहिए। हर एक फैमिली मेंबर का क्या होता है, अलग अलग काम करते हैं वो, इसलिए आपका घर चलता है। जैसे स्कूल्स हैं आपके, तो वहाँ पे अलग अलग टीचर्स होती हैं, आपके स्कूल को मैनेज करती हैं वो, आपको कंट्रोल करती हैं, आपको पढ़ाती हैं। अगर स्कूल्स होंगे लेकिन टीचर नहीं होगी, तो आपका स्कूल कैसे रन करेगा, स्कूल का क्या वैल्यू रह जाएगी। स्कूल तो बन गया, बच्चे हैं लेकिन टीचर नहीं है, स्कूल है लेकिन बच्चे नहीं है, टीचर भी नहीं है, तो स्कूल होने का क्या फ़ायदा। सेम आपका कंप्यूटर भी होता है, कंप्यूटर है लेकिन उसमें विंडोज़ ही नहीं है, तो आपका आप कंप्यूटर में वर्क कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपका विंडोज़ 7 है, आपको मैंने बताया था। इसके बाद बूटिंग प्रोसेस आपने किया था, बूटिंग में आपने किया था कि जब आपका जो विंडोज़ लोड होती है, जब अपना कंप्यूटर आप ऑन करते हैं, तो जो टाइम पीरियड होता है, जितना आपको टाइम उसमें लगता है, लोडिंग प्रोसेसिंग होती है, लोड होता है आपका विंडोज़ मेमोरी में, तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, बूटिंग, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, बूटिंग। इसके बाद हमने किया था अपना, हमने जब अपना कंप्यूटर ऑन कर देते हैं, तो हमें इस तरीके से स्क्रीन पे आपको ये मिलता है। देखिए स्क्रीन आपका इस तरीके की मिलती है, तो जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देते हैं, ये जो छोटे छोटे पिक्चर्स होती हैं, इनके हम क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। यहाँ पे नीचे आपकी इस तरीके की से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो आपका क्या होती है, टास्क बार होती है। और जो ये आपका विंडोज़ की पिक्चर है, तो जो आपका ये टास्क बार है, आपके जो आइकन्स हैं, ये किसके ऊपर होते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर होते हैं। और आपने क्या पढ़ा था कि जो आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, उसकी स्क्रीन है, वॉलपेपर, उसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, सेम आप अपने डेस्कटॉप के भी वॉलपेपर आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने किया था इसमें टास्क बार में, आपको बता चुकी हूँ, इसके जो कॉर्नर में, जो लेफ़्ट साइड में आपका स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक करते हैं, तो आप मेन्यू आपको मिलता है। आप प्रोग्राम में जाते हैं, अपने एसेसरीज में देखते हैं आपको कौन सा प्रोग्राम आपको करना है, आप इसमें से चेकआउट करते हैं, देखते हैं मेन्यू में, तो उसके अकॉर्डिंग अपना अपना प्रोग्राम चेक कर नोट करते हैं आप, और फिर अपना काम उसमें शुरू करते हैं। चाहे आप वर्ड पैड करना चाहते हैं, तो आप वर्ड पैड में क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। एक्सेल में कर चाहते हैं, तो एक्सेल को ओपन करेंगे, अपना काम करेंगे। जैसे आप होटल में जाते हैं, तो आपको क्या मिलता है, मेन्यू कार्ड मिलता है, उसमें बहुत सारे डिशेस होते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो भी आपको पसंद होती है, आप क्या करते हैं, उसको ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये भी आपका स्टार्ट मेन्यू में आपको क्या मिलते हैं, प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं। क्विक लॉन्च टूल बार हमने क्या था, ये राइट साइड में होता है स्टार्ट बटन के। इसमें क्या होता है कि जो भी आप अपने कुछ इसमें आपके जो टूल बार है, ये आपका क्विक लॉन्च टूल बार, इसमें जब आप कोई प्रोग्राम्स बार बार करते रहते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या आ जाता है, क्विक लॉन्च टूल बार में वहाँ पर आपका आ जाता है। तो आप जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप अपना क्या करना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम आप ओपन करना चाहते हैं यूज़, तो आप प्रोग्राम या एसेसरीज में ना जाके आप सीधा आप यहीं से क्या कर सकते हैं, उसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे से आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आपको स्टार्ट मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने प्रोग्राम्स आपको वहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी क्विकली आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं।
इसी क्या नाम है इसका, इसीलिए क्या है क्विक लॉन्च टूल बार, ये हमने किया था। इसके बाद हमें देखिए सिस्टम ट्रे होती है आपकी, ये भी आपका कहाँ होती है, टास्क बार में होती है राइट साइड में। सिस्टम ट्रे में आपको क्या मिलती है, आपको डेट एंड टाइम आपका मेंशन होता है, जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर उस दिन का टाइम और क्या होता है डेट आपको दिखती है, शो होता है। नेक्स्ट हमने क्या था, सेटिंग अपने बैकग्राउंड की किस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड को चेंज करेंगे, तो हमने स्टेप वाइज इसमें करना है। आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरीके की एक क्या मिलेगा, आपको एक मेन्यू आपको मिलेगा इसमें। इसके बाद आप पर्सनलाइज में आप इसमें क्लिक करेंगे, फिर आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, इसमें आप को बैकग्राउंड के क्या मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिलेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग आप फोर्थ स्टेप में जब आपको दिख जाएंगे बैकग्राउंड्स, आप बहुत सारे देख सकते हैं, स्क्रॉल करके देखेंगे। इसके बाद आपको जो भी आपको चाहिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, चूज़ करेंगे अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छे लगेंगे उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करेंगे। एंड फिफ्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, सेव चेंज पे क्लिक करेंगे बटन, तो आपका जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है वो क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा जो आपने क्या किया है, आपने चूज़ किया है। तो ये हमने लास्ट वीडियोस में हम ना कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा आज पेज नंबर 26 में आपका जो आप इसके बाद हमने जब अपना काम कर लेते हैं हम अपना कंप्यूटर में, तो जो सबसे लास्ट अपना कंप्यूटर जब हमें ऑफ करना होता है तो हम सीधा ही नहीं कि जो प्लग स्विच बोर्ड है हमारा, जो मेन स्विच बोर्ड है वहाँ पर हम सीधा उसको वहाँ पर से हम क्लोज नहीं करते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, शट डाउन करना पड़ता है उससे पहले। तो शट डाउन क्या है आपका, द प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रॉम विंडोज एंड स्विचिंग द कंप्यूटर ऑफ इज कॉल्ड शट डाउन। शट डाउन मतलब जब आप अपनी विंडोज या अपने जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसे आपने क्लोज किया, उसके बाद आप अपना कंप्यूटर अब आप ऑफ करना चाहते हैं तो सीधा ही आप मेन स्विच को ऑफ नहीं करेंगे, आपको स्विच शट डाउन का ऑप्शन मिला होता है तो आप क्या करेंगे, शट डाउन पे क्या करेंगे, शट डाउन मतलब यानी कि कंप्यूटर को ऑफ करना। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लिक द स्टार्ट बटन में आपने जाना है शट डाउन करने के लिए, यानी कि शट डाउन मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए शट डाउन करना है आपने। तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, आप क्लिक द स्टार्ट बटन में आप क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन में, अब वहाँ पर आपका ऑप्शन क्या आएगा, आपका शट डाउन ऑप्शन आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, शट डाउन पर क्लिक करेंगे और थोड़े टाइम के बाद आपका क्या होगा, शटिंग डाउन प्रोसेस हो जाएगा और आपका मॉनिटर क्या हो जाएगा, आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। इसके बाद अपना क्या कर सकते हैं, आप अपना UPS को क्लोज कर दीजिए ऑफ, और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मेन स्विच आप क्या कर देंगे, अपना ऑफ कर देंगे, तो आपका शट डाउन कम्प्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो द शट डाउन मेन्यू ऑल्सो, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली है, द शट डाउन मेन्यू ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑप्शन टू रीस्टार्ट एंड अनलॉक अ कंप्यूटर, यानी कि शट आपने पढ़ा था ना लास्ट में कि जो स्टार्ट बटन होता है उससे हम अपने मेन्यू सेलेक्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट और शट आपका जो स्टार्ट बटन ये होता है उसी से हम क्या करेंगे, अपना शट डाउन ऑप्शन से अपने कंप्यूटर को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। तो ये आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, आपने इसको बहुत अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है, समझना है अच्छे से। और नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइजेस हम करेंगे। सो थैंक यू क्लास।